राजवीर जी, अब देखिए वक्त बहुत कम बचा है। आज तारीख हो गई है 26, अब 5 तारीख को वोटिंग का दिन है। महज मान लीजिए 7 से 8 दिन है। अब एकदम डट कर मुकाबला अब करना है, क्योंकि देखिए हैट्रिक लगाने के लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि अभी तक तैयारी उस हिसाब से चल रही है या फिर कुछ अलग? सर, हमारी तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो है पूरी नजर बनाए हुए, हमारे स्टार कैंपेनर जो वो जगह 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 जन सफाई कर रहे हैं, और जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है या मंडल लेवल का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है या हमारे सपोर्टर है, तो किसी पद पर नहीं होते लेकिन सपोर्ट करते हैं, तो सब लोग एक्टिव है। सब लोग जनता में जाके हमारी जो मीडिया, हमने जो दफ्तर दिल्ली में किया उसको बता रहे हैं, और हमारे पास बच्चों का डाटा है कि हमने हमने लोगों के साथ हमने लोगों को यह दिया है। अंतिम अगली सरकार का क्या काम क्या होता है? जनता को राहत देना। जनता को हमने हर चीज वो मुमकिन करके दिखाई है जो असंभव थी। 433 योजनाओं को हमने ऑनलाइन ग्रेजुएट, 1,47,000 रुपए की नौकरियां दी हम लोगों ने, बिना खर्ची। मैं कौन कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि क्योंकि आज सिर्फ जो ये नौकरियां इनको इनको ये लोग व्यापार बनाना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टी है, जबकि जबकि युवा पढ़ना चाहता है। तो ये सारी चीजें लेके हम जनता में जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां इनका कुछ है नहीं। बता रही हमने रेट सौ को क्या बोलोगे, इनको प्रणाम कर सकता हूँ भैया। हमारे यहाँ 2020 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हो, आप लोगों को लोग भूल चुके हैं। 20 साल में 18 साल में तो पीटी बदल जाती है, 3 पीटी बदल जाती है। तो रेट सब कहाँ आप अपडेट रहना चाहिए आपने। तो जो इनाले है जनता इसका कोई बजूर बचा नहीं है। लोकसभा में जनता ने इनको तो बहुत सिखा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कानून होता तो आप ऐसे भी आप ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं सीट पर। तो ये तो इनका तो एक निश्चय से लेकर, लेकिन ना इन लोगों में कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस होता है, इन लोगों में हमेशा सही ठीक है कि ना है, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होता है। ये क्या पता इस बात का? अगर आप इनसे ऐसे ही कोर्ट बात करेंगे तो सिर्फ अलाहाबाद में ही थोड़ा सा जवाब दे पाएंगे, लेकिन कहीं पे इनकी मोस्टली डिमांड पे जब चलेंगी वो तो एक कांग्रेस है, तो इन लोगों से जज्बा है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे एक बड़े नेता ने, मैं पर्सनली की बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, फील्ड में रहती है और इसीलिए बार बार आती है। ठीक है, रिपोर्ट सुनता है कि वो एक अपना दायित्व निभाता। आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने आपने राजस्थान में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में हमें दोस्त हो चुके हैं, तो हम लोगों को रहते हैं 24 घंटे। तो हमारे जो संगठन है, हमारे जो मोर्चे हैं, वो सभी अपने काम में लगे हुए। ठीक है वत्स साहब, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उससे संतुष्ट आप दिखाई दिए। वत्स साहब, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम दिग्गज नेताओं के भी पहुंचने का ऐसा लगा था कि हाँ क्रम होगा आगे। क्या ये दिग्गज नेता कब पहुंचेंगे चुनावी मैदान में? और अभी तक जो तैयारियां रही हैं आप लोगों की, क्या वो लग रहा है कि हाँ बेहतर है बीजेपी को पटखनी देने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता का मिजाज है और जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस प्रकार से रैली में जब प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय किस प्रकार से लोग बाग कुर्सियों को छोड़ छोड़ के वापस जा रहे थे, उसे एक बार स्पष्ट हो चुकी है। और जिस प्रकार से आज जननायक राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से रैली में एक हुजूम आज शामिल हुआ, तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज भाजपा कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, हरियाणा के बेरोजगार युवा, जिनको जिस मुद्दे को हमारे नेता ने मन से उठाया भी था कि किस प्रकार से हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को आज डंकी रूट से आज अमेरिका में जाना पड़ रहा है, आज वो तमाम युवा आज भूले नहीं है। आज वो महिलाएं भूली नहीं है जिनके साथ आज गलत व्यवहार हुआ है और भाजपा के नेता ने उनके साथ जब ये दुर्व्यवहार किया है तो तमाम पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ, आज महिलाओं के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो आज वो महिलाएं भूली नहीं है और वो भाजपा के विरुद्ध आज जो है वोट देने का काम करेंगे। आज वो महिला पहलवान ने भी जो तमाम आज ये खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, आज वो लोग भी भूले नहीं कि किस प्रकार से तमाम खिलाड़ियों को आज भाजपा के राज में बख्शा नहीं गया है, तो तमाम लोग जो है आज भाजपा के विरुद्ध जो है वोट डालने का काम करेंगे और विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। ठीक है विजय रेणु, प्रवक्ता एनएलडी के। विजय साहब, फाइनल कमेंट आपका तैयारियों को लेकर, बसपा और आप लोग साथ चुनावी मैदान में उतरे, क्या अभी तक जो प्रचार प्रसार का दौर चला संतोषजनक आपको लगा और क्या कुछ प्रदेश की जनता से कहेंगे? हाँ सागर जी, वक्त वक्त की बात है, समय परिवर्तनशील होता है, सही कहा है। आज भाजपा के प्रवक्ताओं से हमें ये सुनना पड़ रहा है कि एक एक मेले वाली पार्टी भी मुख्यमंत्री के सपने देख रही है। जिस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में एक एमपी नहीं हुआ करता था, हरियाणा में एक एमएलए नहीं हुआ करता था, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
ये सही कहा है, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। यदि हमारी पार्टी में विभाजन नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ इसका तो अंकुर भी फूटने वाला नहीं था। 14 में मोदी लहर में ये आ गए थे, 2019 में हमारी सरकार बननी थी, लेकिन पार्टी विभाजन का फायदा इनको मिल गया। और आज हमारे को ये MLA की पार्टी बताने वाले आदमियों को ये भी सोच लेना चाहिए कि 1987 का भी वो दिन था जब 85 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत करके आई थी और आपका हरियाणा प्रदेश में नाम भी नहीं चलता था। आपको ये भी याद करना कर लेना चाहिए कि इस पार्टी के जो चलिए सर संस्थापक वो फाइनल देश कमेंट के प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री रेणु रहे। साहब। हाँ, फाइनल कमेंट में यही कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता से, आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए असल कोई दावेदार व्यक्ति है जो हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा सकता है, अभय सिंह चौटाला है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इनेलो गठबंधन को अपना आशीर्वाद दे करके इनेलो गठबंधन इनेलो और बसपा की सरकार बनवाने का काम करे, ताकि प्रदेश को फिर दोबारा से हरा भरा करने का काम करे और विकास की गति को बढ़ाने का काम करे। चलिए कोई बात नहीं सर, जिस तरह से आपके मन में JJP के मन में टीस है कि जब अपने बेगाने हो जाते हैं सर तो तकलीफ होती है, लेकिन जब अपना जब एक बार फिर अगर जुड़ना चाहे और उससे फायदा नजर आता है तो वो भी देखिए कदम बुरा नहीं है।